हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सर, नम चेनलो न्यू कैमरा नम चल सब्सक्राइब पाको, पकड़ बेल क्लिक पाको। इन वीडियो को नम सब्सक्राइबर जेनरिक्स वर्सेस नॉन जेनरिक डिफरेंस पी वीडियो वो एड़म अब कटा ना वीडियो पड़े। सो उमारी टापिक्स वेणूना वीडियो पात मुड़चमा कमेंट सेक्शन पड़ूंगान वीडियोस अत ना एक्सिक्यूट पड़े। सो इप्पो विषयते पढ़िक्कிறதுக்கு முன்னாடி அப்படினா என்ன, இப்போ நம்ம என்ன படிக்க போறோம், கலெக்ஷன்னா என்ன அப்படினு பார்க்க போறோம். சோ கலெக்ஷன்னா என்ன, எதுக்காக கலெக்ஷனை இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்ணாங்க அப்படின, அதோட அட்வான்டேजेस என்ன அப்படின்ற டிஸ்அட்வான்டேजेस என்ன, இதுல எது டைப்ஸ் இருக்கா, சோ இந்த திங்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறதாதான் ஒரு குட் புரோகிராமரோட பிராக்டீஸ். சோ அப்படி பாக்கும்போது கலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி என்ன இருந்தது அப்படின்றத வாங்க பார்க்கலாம். நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச ஒண்ணுதான் அரே. सो अरे पत्ती सोल रहे अब नेक्स्ट वरुद्ध सो अरे अब्बेमें कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा आइटम्स इंटीजर अरे कैन होल्ड ओनली इंटीजर वैल्यूज। सो अरे पर वंस डिक्लेर पड़े साइज़ वो मेंशन पड़ी तक डिक्लेर पड़नों ना इप्ली सोल रहे रियल टाइम एग्जांपलोड टाइप पड़ी कमीचा कुछ नल्ला अब तोहुद वांग विजुअल स्टूडियो को। सो ऑलरेडी ना टाइप पनी वचर के ऑलरेडी ना टाइप पनी वचर के इंगे पारंग। सो इप्पो नम्म इंगे इंटीजर अरे कुडुत्तर के इंटीजर अरे ला इंट ऑफ 5 इज इक्वल टू और 5 वैल्यूस ना एना पनी रुके ना इनिशियलाइज पनी डे। सो अंद 5 वैल्यूस ही ना इनिशियलाइज पनी इंगे डिस्प्ले पन्रे। सो इंट आई इज इक्वल टू 0 आई लेस देन और इक्वल टू अरे डॉट लेंथ ना अदोड लेंथ वर वरैक्कुम इंद लूप वंदु प्रोसेस आगुम। सो इप्पो एल्लात्तुक्कुम तेरियुम ना वन डिक्लेर पड़द्रमा नहीं अरे वो रीसेज पड़ा वंस नहीं रीसेज पड़ोना प्ोग्रामेटिका पड़ मुड़ी प्ोग्राम को एंटर आगण अरे सईज मतलब अदक व्यूस को अर और सिंपलान विषय अर शिंग बनना अब पड़ी लूप रे लूप कष्ट फर्स्ट एलमेंट लास्ट एलमेंट वरी रीड पड़ी उन्होंने कंपेर पड़ी शार्ट पड़े एव्वलो कष्टम। सो इतमी वेल सिंपला पड़ेद नम कलेक्शन एक्चकान आबजेक्टा सो इन ओर नो वा स्लेड कोल अर पड़ मुड़ा रीसेज पड़ मुड़ा नडुल ओर एलिमेंट ना इंसर्ट पण्णणुन्नु पड़ा डिलीट पण्णणुन्नु पड़ा मुड़ा सो इतना अरे डिसअड्वांटेज ओवर कम पड़ी तम यार इंट्रोड्यूस पड़ा अब कलेक्शन अब इंट्रोड्यूस पड़ा। सो कलेक्शन अब अब ग्रूप ऑफ समथिंग इप्पो क्लास रूम एग्जांपल फुल्ला वीडियो फुला ओर एक्सापल ना सोल या वो ईसियाल क्लास रूमो इले और ट्यूशन सेन्टर ट्यूशन सेन्टर अब अदारा कलेक्शन आफ स्टूडेंट्स इतना कलेक्शन। सो इत कलेक्शन पर विषय पड़ मुड़ो अब ना मेन पड़े आड पड़ा नल्यूव इंसट पड़ला अब इतना जेनरल वरेंन सलन इधर डनमिक अरे डायनामिक अरेना यू कैन ऐड एनीथिंग एपनालों ऐड पण्णिक्कलाम एपनालों डेटा रिमूव पण्णिक्कलाम अदुक्कुल्ल ओरु एलिमेंट फाइंड पण्णनुम सॉर्ट पण्णनुम सर्च पण्णना ओरोरुत्तुक्कु तनित्तनिया फंक्शन्स वंदु प्री डिफाइंड अवंग वच्चिरुप्पांग। सो अद वच्चि नम्म यूस पण्णिक्कलाम अव्वलवुदान रीप्लेसिंग कॉपी पण्णरदु क्लोन पण्णरदु अदुल एव्वलो ऐटम्स इरुक्कुन्रद कौंट पण्णरदु एल्लामे टक 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 टकन वेल मुडिंजिरुम। सो और प्रोग्रामर और प्रोग्रामर और विषयते सीक्रम मुड़कण पटन वल वल नर विषयते शार्ट अंड स्वीटा मुड़च कुछ प्रोग्रामर वेले। सो इत कलेक्शन पाती रे टाइप नॉन जेनरिक कलेक्शन जेनरिक कलेक्शन अब नॉन जेनरिक कलेक्शन मब ट्यूशन सेन्टर को वांग नॉन जेनरिक कलेक्शन इ्यूशन एटीन वो थर्ड स्टाड पड़ीवरपा फोर्त पड़ीवरपा फिफ्त पड़ीवरपा कल कलपा सो नॉन जेनरिक कलेक्शन ग्रूप ऑफ डिफरेंट डेटा आइटम्स और इंटीजर वोचिक्ल फ्लोट वोचिक्ल स्ट्रिंग वोचिक्ल कैरेक्टर वोचिक्ल कल कल वा बट और डिसअडवांटेज अब पातना कैस्टिंग अब அதாவது பாக்ஸிங் அன்பாக்ஸிங் அப்படினு சொல்லிட்டு சி ஷார்ப்ல ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு அதுக்கான वीडियोस நான் ஆல்ரெடி போட்டுர்க்கேன் பார்க்காதவங்க கார்டுல கொடுத்துர்க்கேன் போய் பார்த்துட்டு வந்துக்கோங்க। பாக்ஸிங் அன்பாக்ஸிங் அப்படினா
டேட்டா டைப் ஆப்ஜெக்டாகவும் ஆப்ஜெக்ட் டேட்டா டைப்பாகவும் மாற்றுற ஒரு விஷயம். ஸோ இதை வந்து நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா டைப்ஸ் வச்சுருக்கும் போது காமனாக ஒரே டேட்டா டைப்புக்கு நான் எல்லாத்தையும் மாற்றணும்னு நினச்சேன்னா பாக்ஸிங் அன்பாக்ஸிங் இதெல்லாம் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ஸோ இது பண்ணுறதுனால நமக்கு என்ன வேஸ்ட் ஆகும், டைம் தான் வேஸ்ட் ஆகும். ஸோ அப்போ ஜென்ரிக்கில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேம் டேட்டா டைப்ஸ். இப்போ டியூஷன் சென்டரை எடுத்துக்கோங்க. டியூஷன் சென்டரில் ஃபிஃப்த்து சிக்ஸ்த்து செவன்த்து எயித்து ஒரு ஒருத்தனா உட்காந்துருக்கான்னா ஒரு ஒருத்தருக்கா நீங்கள் மேக்ஸ் சொல்லித்தரணும். அப்போ எவ்வளோ டைம் உங்களுக்கு எடுத்துக்கும், இவனுக்கு மேக்ஸ் சொல்லித்தரணும், இவனுக்கு ஒரு ஒரு டைமும் மேக்ஸ் சொல்லித்தந்தால் டைம் அதிகமாக எடுத்துக்கும். அதுவே ஜென்ரிக்கு. ஜென்ரிக்னா அப்போ உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும், குரூப் ஆஃப் இப்போது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான், ஒரே டைப் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட்னு நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் மட்டும்தான் இருப்பான் அதில். இப்போ நீங்கள் மேக்ஸ் சொல்லிக் கொடுக்கணும்னா எப்படி இருக்கும், ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும், டைம் கன்சியூம் பண்ணும். ஸோ இதெல்லாம் இந்த பாக்ஸிங் பண்ணுறது கேஷ் பண்ணுறது இதுக்கெல்லாம் அவசியமே கிடையாது. ஸோ இதை வந்து ஸ்ட்ராங்லி டைப்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதில் என்னென்ன இதெல்லாம் கிளாஸஸ் எல்லாம் அவைலபிளாக இருக்குது அப்படின்றத நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன். லிஸ்ட்டு, டிக்ஷனரி, சார்ட்டட் லிஸ்ட்டு, கியூ, ஸ்டாக்கு, ஹேஷ் செட்டு, இதெல்லாம் ஜென்ரிக்கோட கிளாஸு. நான் ஜென்ரிக்கில் வந்து நம்ம அரே லிஸ்ட்டு, சார்ட்டட் லிஸ்ட்டு, ஸ்டாக்கு, கியூ, ஹேஷ் டேபிள், பிக்டர் எல்லாம் இருக்குது. ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி டாபிக்ஸை நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் பார்க்கலாம். அவ்வளோதான். இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு எதுவும் டவுட் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க. ஏதாவது உங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபிக் டாபிக்ஸில் வீடியோஸ் வேணுனாலும் அதை போடுங்க. நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.